Assalamu alaikum students and welcome to research methods class. I am Farhan Sarwar and we will continue with our discussion of experimental research designs part 3. हमने अपने previous two lectures में discuss किया कि lab experiments क्या होते हैं, internal and external validity क्या होती है. lab experiment की internal validity high होती है और external validity जो है वो low होती है. फिर हमने डिस्क्राइब किए फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और हमने कहा कि फील्ड एक्सपेरिमेंट जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा होता है तो वहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी थोड़ी सी लो होती है लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी जर्नलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स वो हाई होती है. फिर हमने वो फैक्टर्स डिस्कस किए जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट करते हैं और हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि अगर आपको इंटरनल वैलिडिटी हाई चाहिए तो एक्सटर्नल वैलिडिटी मोस्ट प्रोबेबली लो होगी एंड वाइस वर्सा. आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस जिनको हम यूज करके एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं. आमतौर पर जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की टाइप्स की बात करते हैं तो फॉर योर ईज आप ये सोच सकते हैं कि वी कैन डिवाइड देम इन टू टाइप्स, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस. क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का मतलब ये होता है कि दे आर नॉट 100% प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, ऑल्दो दे आर एक्सपेरिमेंट्स लेकिन इनके अंदर ट्रू इंटरनल वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं होता. जबकि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस होते हैं इनमें हम इंटरनल वैलिडिटी को एस्टेब्लिश ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं. तो हम वन बाय वन इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस को डिस्कस करते हैं. द क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द डिजाइंस. इट डज नॉट मेजर द ट्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ऑल्दो हम रिलेशनशिप जरूर मेजर करते हैं लेकिन इसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस यानी इसकी इंटरनल वैलिडिटी के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप्स nor there is any recording of the status of the dependent variable as it was prior to the experimental treatment and how it changed after the treatment. yani yahan pe hamare paas koi aisa comparison nahi hota jisme hum previous dependent variable ki value and after treatment value jo hai usko compare kar sake. तो ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास दैट इज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन. अब यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ग्रुप, देयर इज नो कंट्रोल ग्रुप. सो जब आपके पास एक कंट्रोल ग्रुप जिसको हम कंपेरिजन ग्रुप भी कहते हैं वो नहीं है, आपको कैसे 100% श्योर हुआ कि आपका जो ये इम्प्रूवमेंट है वो इस ट्रीटमेंट की वजह से ही हो रहा है? जो हमने वो फैक्टर्स पहले डिस्कस किए थे जिसमें हमने ये देखा कि देयर कैन बी मैनी अदर रीजंस लाइक हिस्ट्री इफेक्ट, लाइक मैच्यूरेशन इफेक्ट, लाइक टेस्टिंग इफेक्ट, लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट एंड सो ऑन, उनकी वजह से भी तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. तो जब हमारे पास कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको हमने ट्रीटमेंट नहीं दी और फिर हमने उसको भी चेक किया साथ साथ, तो यहाँ पे 100% कॉज एंड इफेक्ट को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है. बट एनीवेज एक आइडिया लेने के लिए, एक बेहतर जिसे कहते हैं कि हमारे पास एक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो हम ये प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइंस को यूज कर सकते हैं. ज्यादातर इनकी जरूरत पड़ती है फील्ड एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं कि हम जरूरी नहीं कि हमारे पास इतने इम्प्लॉयज हों या इतनी ग्रुप्स हों कि हम उनको कंट्रोल ग्रुप भी बना सकें. लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम पहले एक टेस्ट करते हैं, उसके बाद एक ट्रीटमेंट देते हैं और फिर उसके बाद एक टेस्ट करते हैं और ट्रीटमेंट इफेक्ट होता है O2 माइनस O1. इसी तरह क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम पहले से
टेस्ट ना कर सके, प्री टेस्ट हमारे पास अवेलेबल ना हो, लेकिन कंट्रोल ग्रुप इस सूरत में हमारे पास अवेलेबल हो, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ट्रीटमेंट के बाद क्या इफेक्ट हुआ? तो हमने क्या किया कि हम पहले टेस्ट तो नहीं कर सके, लेकिन हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दी, उसका आउटकम नोट कर लिया, और हमने कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दी और उसका भी आउटकम नोट कर लिया, और हमने अज्यूम किया कि ट्रीटमेंट इफेक्ट इज इक्वल्स टू ओ वन विच इज आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माइनस ओ टू विच इज आउटकम ऑफ द कंट्रोल ग्रुप। तो ये वाले डिजाइन भी ज्यादातर क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स की तरह फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं एज कंपेयर टू लैब एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश करना तो हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता कि इंटरनल वैलिडिटी हाई है, लेकिन हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारी जो ट्रीटमेंट है उसका इन रियल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स जो है वो क्या इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से भी एक आइडिया लेने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। टाइम सीरीज डिजाइन भी होते हैं। आमतौर पर टाइम सीरीज डिजाइन में हम मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्री टेस्ट और मल्टीपल टाइम्स जो है वो पोस्ट टेस्ट जो है उसको कंडक्ट करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि क्या हमारा ट्रीटमेंट के बाद जो पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट्स हैं उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है या उनमें कोई डिफरेंस आया है। तो अगर तो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसको ओवर द सीरीज ऑफ टाइम, ठीक है, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के बाद, अब यहाँ पे कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई फिजिकल कंडीशन हो सकती है, कोई आपका नॉलेज अबाउट सर्टन टास्क हो सकता है, जिसकी मल्टीपल मेजर्स बिफोर ट्रीटमेंट लिए जाएं और मल्टीपल मेजर्स आफ्टर ट्रीटमेंट लिए जाएं, और ये देखा जाए कि ओवर द टाइम आपकी उस ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज डिजाइन, जिसमें मल्टीपल टाइम्स मेजर किए जाते हैं प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। नाउ आफ्टर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस वी हैव ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस इसलिए कहा जाता है कि इनके रिजल्ट्स के ऊपर हमारी इंटरनल वैलिडिटी हाई है और कॉज एंड इफेक्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं। सो इंटरनल वैलिडिटी इज हाई। अच्छा जी, अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस अनलाइक क्वाज एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, इनके अंदर ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप्स दोनों होते हैं। वी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट। इनका दूसरा नाम एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस भी होता है। इनकी जो पहली टाइप है दैट इज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, जो जिसे हम एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम फॉर द सिंपलिसिटी सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है। हमने दोनों ग्रुप्स का प्री टेस्ट कंडक्ट किया, यानी उनकी जो लेवल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेजर की हमने बिफोर ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दी और दूसरे ग्रुप जो कंट्रोल ग्रुप था उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, या उसको हमने एक ऐसी ट्रीटमेंट दी जिसका हमारे एक्सपेरिमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, और फिर हमने पोस्ट टेस्ट में उनकी डिपेंडेंट वेरिएबल की लेवल जो है वो दोबारा से मेजर की। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट इफेक्ट है दैट इज ओ टू माइनस ओ वन माइनस ओ फोर माइनस ओ थ्री। तो यहाँ पे देखना ये चाहिए कि जैसे प्री टेस्ट था तो प्री टेस्ट में लेवल आ गई इसकी फोर और इसकी भी फोर, जब पोस्ट टेस्ट किया तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप की जो लेवल थी दैट वाज सेवन और कंट्रोल ग्रुप की जो लेवल थी फॉर इंस्टेंस समहाउ
ड्यू टू मैचुरेशन इफेक्ट या हिस्ट्री इफेक्ट, वो 5 हो गए। तो अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि क्यों हम ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल्स डिजाइन करते हैं, क्योंकि हम जो हमारी थ्रेट्स टू वैलिडिटीज हैं उनको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा आपकी ट्रीटमेंट इफेक्ट का, दैट इज 7-4 -5-4, सो दैट इज 3-1, दैट इज 2। तो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को बनाने की वजह से हमें काफी हद तक, अगर इसके अंदर कोई हिस्ट्री इफेक्ट है, कोई मैचुरेशन इफेक्ट है, कोई टेस्टिंग इफेक्ट है, तो चूंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो दोनों ग्रुप्स पे कर रहे हैं, तो हमारा वो इफेक्ट जो है वहां पे मिनिमाइज हो गया, वो थ्रेट जो है वो मिनिमाइज हो गई। तो हमें ये एस्टेब्लिश करना कि ये ट्रू कॉज एंड इफेक्ट है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हम उसके ऊपर। इससे भी बेहतर एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन परफॉर्म किया जा सकता है जिसके अंदर हमारे पास डबल वेरिफिकेशन आ सकती है, कि हम दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाएं और हम दो कंट्रोल ग्रुप्स बनाएं और हम फिर इनको टेस्ट करें और फिर हम उसमें ये चेक करें कि हमारा एंड रिजल्ट क्या है। फिर हम इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को भी आपस में कंपैरिजन करें और कंट्रोल ग्रुप्स का भी आपस में कंपैरिजन करें। अगर इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर O2 और O5 की वैल्यूज कंपेरेबल हैं तो फिर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं वो, उनकी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो हाई है। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन का भी एक फार्मूला होता है जिससे हम उसका ट्रीटमेंट इफेक्ट फाइंड कर सकते हैं, पर फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और मेजर एम के हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का हमारे थ्रेट्स टू वैलिडिटी के साथ क्या ताल्लुक? आप ये देखें कि अगर हम सिर्फ कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारी फर्स्ट टाइप है प्री टेस्ट, ये इसको मैं यहाँ पे क्यू कर देता हूँ, ये कॉजी हैं डिज़ाइन, ये दोनों कॉजी डिज़ाइन हैं और ये हमारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं जिनको हमने एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी कहा था। तो अगर हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट विद वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कर रहे हैं, यानी इसमें हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं है, तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर हिस्ट्री इफेक्ट भी आ सकता है, मैचुरेशन इफेक्ट भी आ सकता है, मेन टेस्टिंग एंड इंटरेक्टिंग टेस्टिंग इफेक्ट भी आ सकता है और मोर्टेलिटी या एट्रीशन इफेक्ट भी आ सकता है। अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट विद वन एक्सपेरिमेंट एंड वन कंट्रोल ग्रुप, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेक्टिव टेस्टिंग इफेक्ट और मोर्टेलिटी इफेक्ट आ सकते हैं, बाकी जो हिस्ट्री और मैचुरेशन इफेक्ट्स हैं और मेन टेस्टिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। अच्छा, इसका मतलब है कि जब हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे जाते हैं तो बेहतरी हो जाती है हमारे थ्रेट्स टू वैलिडिटी में। अच्छा, उसके बाद अगर एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसमें हमने कहा सिर्फ पोस्ट टेस्ट ओनली विद वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड वन कंट्रोल ग्रुप हम परफॉर्म करते हैं, तो अब यहाँ पे चूँकि हम सिर्फ पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं तो हम हिस्ट्री इफेक्ट, मैचुरेशन इफेक्ट, मेन टेस्टिंग इफेक्ट या इंटरेक्टिव टेस्टिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पे हम मैयर नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पे फिर कंसर्न सिर्फ रह जाता है मोर्टेलिटी इफेक्ट, जिसमें हम ये देखते हैं कि आपके ग्रुप की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रही है। सिमिलरली अगर हम सैलमन 4 ग्रुप डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे भी जो मेजर थ्रेट्स टू हमारे वैलिडिटी आती हैं वो मोर्टेलिटी इफेक्ट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे ग्रुप की कॉम्पोजिशन ओवर द टाइम वो चेंज हो जाती है
उसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो वंस अगेन जो ये वाला स्लाइड है इसको आप लेक्चर 2 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है उसमें कौन से थ्रेट्स टू वैलिडिटी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा जो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट विद वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है दैट इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल, जबकि जो हमारा सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन है दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी जो हमारा पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन है वो बेटर है एज कम्पेयर टू प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन, जबकि हमारा जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन है दैट इज बेटर देन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट विद वन एक्सपेरिमेंटल एंड वन कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी हो सकते हैं जिसमें हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डेलिब्रेटली मैन्यूपुलेट नहीं करते जिस तरह हम लैब और फील्ड एक्सपेरिमेंट में करते हैं, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि सब्जेक्ट्स जिनको ऑलरेडी एक स्टिमुलस मिल चुका होता है हम उनके मेजरमेंट ले लें और जिनको नहीं मिला होता हम उनको स्टडी कर लें और उनका आपस में एक कंपैरिजन कर लें। तो ये कहाँ होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसा फिनोमिना हो रहा है जिस तरह कोविड-19 का फिनोमिना है या कोरोना का फिनोमिना है जिसमें कुछ लोगों को ये बीमारी हो चुकी है यानी दे आर एक्सपोज टू दिस पर्टिकुलर वायरस, और कुछ लोगों को ये बीमारी नहीं हुई यानी दे आर नॉट एक्सपोज टू दिस वायरस, और हम उनसे डेटा कलेक्ट करके तो हम इन्फेक्टेड वर्सेस इन्फेक्टेड वर्सेस जो नॉन इन्फेक्टेड है उनका आपस में कंपैरिजन कर लें वर्सेस नॉट अफेक्टेड नॉट इन्फेक्टेड, इनका आपस में कंपैरिजन कर लें इनसे डाटा कलेक्ट करके, तो ये हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन नहीं हो रही उसके बावजूद हम कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम एक्सपोयर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू का, और एक ऐसा ग्रुप है जिसको एक्सपोयर नहीं है हम उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से भी कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। जब भी हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जैसे हमारी बिजनेस रिसर्च में हमने डिस्कशन की, तो ऑल्दो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं विद नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स एज वेल, जिसमें हम किसी भी मशीन की आउटपुट देख सकते हैं या किसी भी सिमुलेशन एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारी ज़्यादा डिस्कशन इस बात पे हुई है कि हमने ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं और हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है, तो उसमें एथिकल इश्यूज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं और उनके ऊपर क्यों इतना एम्फसाइज किया जाता है, जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि उनकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा। सबसे पहले ये कि यू आर शुड नॉट पुट प्रेशर ऑन इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन एक्सपेरिमेंट थ्रू कोर्जन और अप्लाइंग सोशल प्रेशर, क्योंकि अगर आप उनको प्रेशराइज करेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा कॉन्टेमिनेटिंग फैक्टर उसमें ऐड कर रहे हैं जिसमें डीमोटिवेटेड पार्टिसिपेंट्स आएंगे, और फिर आप जो उनके साथ एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे आप उनको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं जैसे आप उनको कोई वर्कशॉप करा रहे हैं जैसे आप उनको उनकी जॉब रोटेशन कर रहे हैं, तो वो इफेक्ट की बजाय एक एक्स्ट्रा इफेक्ट उनकी डीमोटिवेशन का उसके अंदर आ जाएगा। और ये वैसे भी एथिकली आजकल इसको बहुत डिस्करेज किया जा रहा है कि आप कोरिजन के जरिए पार्टिसिपेंट्स को फोर्स करके उनको सिलेक्ट किया जाए। गिविंग मीनियल टास्क एंड आस्किंग डिमीनिंग क्वेश्चंस दैट डिमिनिश इन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी उनसे ऐसे काम कराए जाएं जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट हैं। डिसीविंग सब्जेक्ट्स बाय डेलिब्रेटिंग मिसलीडिंग देम एज टू द ट्रू पर्पस ऑफ द रिसर्च, झूठ बोल के उनसे
बातें छुपा के उनसे रिसर्च की जाए, इसको भी डिस्करेज किया जाता है। एक्सपोजिंग पार्टिसिपेंट्स टू फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, नॉट अलाउइंग सब्जेक्ट्स टू विदड्रॉ फ्रॉम द रिसर्च व्हेन दे वांट टू, इसको भी बहुत अनएथिकल समझा जाता है। हमेशा आपको अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्शन देनी चाहिए कि यू कैन विदड्रॉ फ्रॉम द रिसर्च इफ दे फील डिसकंफर्ट। Using the research results to disadvantage the participant over purpose of not their liking. आपने किसी को एक ऐसी ट्रेनिंग दे दी जिससे उसकी जॉब बहुत इम्प्रूव हो गई, और किसी को ऐसी ट्रेनिंग दे दी जिससे उसकी जॉब जो है उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा, और फिर आपने उनके जो रिजल्ट थे रिसर्च के आपने उनको ब्लैकमेल करना या उनको फोर्स करने के लिए यूज करने शुरू कर दिए, दिस इज ऑल्सो अनएथिकल। Not explaining the procedure to be followed in the experiment, उनको धोखे में रख के एक्सपेरिमेंट कराया जाए, इसको भी डिस्करेज किया जाता है। Exposing respondents to hazardous and unsafe environment, उनकी जान को खतरे में डाला जाए, उनकी हेल्थ को खतरे में डाला जाए, this is also unethical. Not debriefing employees fully and accurately after the experiment is over, यानी आपने उनको बाद में जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया एक डीप ब्रीफिंग करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया और इसका ये मकसद था, ताकि अगर उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो वो भी उनके जहन से ओवर हो जाए या खत्म हो जाए, डिमिनिश हो जाए। नॉट प्रिजर्विंग द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिविंग बाय द पार्टिसिपेंट्स, अगर आप उनकी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप अपना एक्सपेरिमेंट का जो उनके ऊपर जो एक आपका एक कॉन्फिडेंस है आप उसको शैटर कर रहे हैं, ठीक है। सो प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आजकल के एम्प्लॉयज जो हैं या आजकल किसी भी इंसान के लिए अपनी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप उनके रिजल्ट्स को जो है वो एग्रीगेट के तौर पर जरूर यूज करें, एज अ होल जरूर यूज करें, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल को उसके अंदर पॉइंट आउट ना करें। एंड withholding benefits from control group. अगर आपने किसी ग्रुप ट्रीटमेंट ग्रुप को एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसी ट्रीटमेंट दी है जिससे उनको काम में फायदा मिल रहा है, उनको एक एक्स्ट्रा स्किल मिल रहा है, तो आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज ओवर आप सेम बेनिफिट जो है वो कंट्रोल ग्रुप को भी दें, यानी सेम ट्रेनिंग उनको भी कराएं ताकि उनको भी उसका फायदा मिले। एज अ मैनेजर हमने ये देखना होता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसका स्कोप क्या है, क्या हमें वाकई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि डू वी नीड टू ट्रेस कॉजैलिटी, क्या कॉजल इफेक्ट को ढूंढना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर नो तो देन वी डू नॉट अंडरटेक एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, बट इफ आवर आंसर इज येस तो फिर हमने ये देखना है कि क्या हमारी उस कॉजैलिटी में इंटरनल वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, या जनरलाइजबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इंटरनल वैलिडिटी भी होनी चाहिए, कॉजैलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, या एक्सटर्नल वैलिडिटी होनी चाहिए यानी ये कि जनरलाइजबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर तो दोनों इंपॉर्टेंट है तो ये एक तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। So, अगर सिर्फ इंटरनल वैलिडिटी ही चाहिए देन एंगेज इन अ लैब एक्सपेरिमेंट, अगर जनरलाइजबिलिटी यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, और अगर दोनों इंपॉर्टेंट हैं देन बोथ लैब एक्सपेरिमेंट फॉलोड बाय अ फील्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ पे एज अ मैनेजर हमारे पास हमेशा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। अगर तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट इतनी ज्यादा नहीं है देन यू कैन एंगेज इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड डिजाइन सच एज सॉलोमन फोर ग्रुप डिजाइन। अब सॉलोमन फोर ग्रुप में जाके चार ग्रुप्स हैं, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, ज्यादा उसमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो अगर तो आपको कॉस्ट का मसला नहीं है तो आप फिर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिजाइन यूज करें। लेकिन अगर आपको कॉस्ट का इशू है देन एंगेज इन अ सिंपलर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सच एज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ग्रुप डिजाइन जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, और यू कैन चूज अ कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो एज अ मैनेजर हमारे लिए ये डिसीजंस करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हमने उनको कंपेयर करना होता है, हमने उनकी
वैलिडिटीज देखनी होती हैं, हमने उनकी इंपॉर्टेंस देखनी होती है. सो दैट इज ऑल अबाउट अवर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. दिस इज एंड ऑफ लेक्चर 3 एंड नाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होते हैं, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, उनमें थ्रेट्स क्या हो सकती हैं, और किस किस्म के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम यूज करके अपने कॉजैलिटी बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एज अ मैनेजर आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज सिमुलेशंस. आजकल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बिजनेस स्टडीज में, ऑल्दो पहले भी किए जाते थे एक्सपेरिमेंट एज सिमुलेशन, स्पेशली इन साइंस जिसमें आप एक सिमुलेशन को पहले परफॉर्म करते हैं एज अ रियल एनवायरनमेंट, आप कंप्यूटर पे उसको बनाते हैं और फिर आप देखते हैं. तो आजकल बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें आप सिमुलेशन का यूज करके रियल वर्ल्ड को मॉडल करके आप उसके आउटकम देख सकते हैं. सो यू कैन फर्दर एक्सप्लोर दैट टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.